राज मिस्त्री संघ की मासिक बैठक महुला कोर्ट में आयोजित की गई। बैठक के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने संघ के सदस्यों को मुख्यमंत्री कौशल योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत राजमिस्त्रियों को काम के संबंध में पूरी जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्य वासुदेव नायक और रमेश चंद्र ने बताया कि संघ में अब तक 600 से ज्यादा सदस्यों ने सदस्यता ले लिया है। राजमिस्त्र जो देवभोग कचना धुरुआ का जो यहाँ मासिक बैठक था, उसमें मुझे देखने को मिला कि यहाँ जो मजदूरों की जो मूल समस्या है, चाहे उनका रोजी रोटी के संबंध में हो या उनका जो भी निर्माण कार्य होते हैं, उनको स्थानीय तौर पे उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस बात को लेकर उन्होंने मुझे अवगत कराया। और मैं पूरी तरह से उनको आश्वस्त किया है कि जो शासन प्रशासन जो भी कार्य होते हैं, शासकीय कार्य हो चाहे यहाँ जितने भी कार्य होते हैं, उनको मैं मजदूर संघ को उस काम को मतलब उनके हाथों में दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा और उनके साथ हमेशा खड़े रहने का मैं उनको बात रखी मैंने मेरे ओर से। शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए क्या करेंगे आप? शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सर सबसे पहले सभी मजदूरों का जो है श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन होना चाहिए, इनकी जानकारी मैं उनको बताया। उसके साथ साथ जो मजदूर साथी हैं उनको शासन की एक महत्वपूर्ण योजना होती है कौशल विकास प्रशिक्षण, जिसके माध्यम से उनको ट्रेनिंग मिलता है और उनको उस ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपने आप में एक सशक्त मजदूर के रूप में कार्य करने का जो जिम्मेदारी उनके पास होती है, इस योजना के बारे में भी मैंने उनको विस्तृत रूप से चर्चा की। संघ द्वारा आज मेरे ही गाँव में चैतन्य धाम वेदी पर बैठक आहूत की गई और मुझे भी यहाँ बुलाया गया और आकर मुझे यहाँ बहुत खुशी लगा और बहुत अच्छा यहाँ मेरे को भी स्वागत किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजमिस्त्री कल्याण संघ को और राजमिस्त्री कल्याण संघ द्वारा यह मांग रखा गया था कि इनका जो बैठक होती है मासिक बैठक, तो ये क्या है किसी पेड़ के नीचे बैठकर मासिक बैठक करते हैं, तो ये इन्होंने जो मांग किया कि भवन के लिए जो जगह चाहिए 5 डिसमिल के लिए मुझे आवेदन किए, तो मैं ग्राम पंचायत माहुलकोट की ओर से 5 डिसमिल जगह देने के लिए इनको आश्वासन दिया और घोषणा भी कर दिया। तो आश्वासन दिए हो कि जमीन दे ही रहे हो आप? जमीन दे ही रहा हूँ। संघ की जो आज बैठक की गई है, प्रत्येक माह की 1 तारीख को किया जाता है और आज की बैठक में ये निर्णय ली गई है कि हमारे क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, अंतिम छोर है, तो हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण नाम का कोई वैल्यू टाइप का नहीं है, तो हम शासन से अवगत करा के हमारे समिति जो एनजीओ के तहत जो हमको यहाँ पे पंजीयन हुआ है, तो हमारे समिति के द्वारा हम मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 54 पंचायत में से चयनित करके 5 या 6 या 7 जगह मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक प्रशिक्षण केंद्र बना के हम समस्त राजमिस्त्री बंधुओं को प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ बातचीत हुई? और हमारे प्रत्येक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जो हमारे समिति बनाया गया है, हमारे समिति में जितने भी आदमी लगभग बोला जाए तो 700 आदमी हमारे समिति में ज्वाइनिंग किया गया है, हमारे साथ एकत्रित हो चुके हैं और हमारे समिति की ओर से ये अपील किया जा रहा है कि प्रत्येक आदमी का एक जो निर्धारित परिचय पत्र होता है, जिसको श्रम कार्ड बोल के जाना जाता है, उसी श्रम कार्ड बनाने के प्रयास में हैं और हम शासन से जो जो भी लाभ मिलता है, जैसे शहरी क्षेत्र में कईयों ऐसा लाभ है जो शहरी क्षेत्र वालों को ही मिलता है, हमारे अंतिम छोर के नाम से हमको सरकार की ओर से लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे बच्चों से लेकर के जिसके पास अगर श्रम कार्ड है, जैसे जिनके पास श्रम कार्ड है, मजदूर है, मिस्त्री है, बेचारा वो अपने अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, उसका भी सरकार कुछ सहायता के रूप में देते हैं बच्चों को पढ़ाई का। जैसे श्रमिक लोगों को साइकिल दिया जाता है, श्रम विभाग में बहुत ही ऐसा नियम है, जैसे उनके लिए बीमा का आरक्षित रखा गया है और उसी बीमा का भी लाभ लेना चाहते हैं हम लोग और हमारे राजमिस्त्री बंधुओं को भी हम उसका लाभ दिलाना चाहते हैं। और सरकार के समीप बहुत कुछ ऐसा मांग है जो हम सरकार के समीक्ष मांग रख के अपना लाभ कोर्ट सरपंच को हम लोग हमारे राजमिस्त्री कल्याण संघ से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम माहौलकोट सरपंच से एक प्रस्ताव रखे थे जो कि 5 डिसमिल जगह हमारे राजमिस्त्री कल्याण संघ के को आवेदन दिया गया है।